हाई गाइज, गुड मॉर्निंग। ए है महागुरु जी सेपसप का देवेंद्र शर्मा है। इनका बारे में आप लोग यूट्यूब में सर्च करके देखो, उनका लाइफस्टाइल कैसा है सेपसप मार्केटिंग करके। मैंने उनसे मिला है, कोला क्षेत्र में आया था, एरियल में मैं मिला कोला क्षेत्र में। उनका बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद यूट्यूब में सर्च करके देखो ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करके सेपसप में उनका लाइफस्टाइल कैसे बदल गया, आप लोग खुद देख सकती हो। मैं थोड़ा सा उनका वॉइस सुनाना चाहती हूँ। कभी कभी किसी मिशन पर कुर्बान होने का या उस मिशन पर टाइम लगा के दाएं बाएं की चीजों को छोड़ के हमको किसी मिशन पर काम करने का मौका मिलता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में काफी बार आज तक ऐसा हुआ होगा जब आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके घर में कभी किसी को कोई मुसीबत आई होगी, कभी कोई अस्पताल में भर्ती हुआ होगा, कभी कोई बीमार हुआ होगा, उसके चक्कर में आपने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट किया होगा, हो सकता है आपने अपना खून दिया हो सकता है आपने अपनी रातों की नींद गवाई हो उसको सही करने के चक्कर में, और हो सकता है आपने बहुत पैसा भी दिया हो उसको बचाने के चक्कर में, और आपने आनंद फानंद में इधर उधर से आपने इंतजाम किया हो। और यदि हम कुछ ऐसा करते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि दो रात तक हम किसी तीमारदार अपने रिश्तेदार की या अपने घर वाले की कोई उसको करते रहे, कुछ उसके लिए काम करते रहे और हम सोए नहीं, तो कितने लोग बोलते हैं वो दो रातों बाद जब वो सही हो जाता है तो हमको प्राउड फील होता है कि यार हमने कुछ किया यार इसके लिए, कितने लोग बोलते हैं ऐसा प्राउड फील होता है। और जब वो बीमार होता है और जब हम उसके लिए कुछ करते हैं तब उसके बाद हमें कोई ऐसे सम्मान नहीं मिलता, स्टेज नहीं मिलती, माला नहीं मिलती, पट्टी नहीं मिलती, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब उसके लोग हमको बोलते हैं कि यार ये बंदा है दो बोतल खून दिया था यार इसने हमारे बच्चे को बचाने के लिए, कितने लोग बोलते हैं ऐसा होता है। और उस प्राउड के सेंस को पाने के लिए, उस प्राउड को पाने के लिए हम अपनी धन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, रातों की नींद खोते हैं और बहुत सारी तकलीफें लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि 20-22 दिन इसी सेंस ऑफ अर्जेंसी में, इसी सेंस के चक्कर में यदि आपने काम किया कि यार मैं कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, यदि मैं 200 बीवी, 500 बीवी, 1000 बीवी या 5000 बीवी का सहयोग करूंगा यदि अपनी टीम को, तो हो सकता है मेरी टीम जीत जाए। और जब आपकी टीम जीतेगी और आप वहां पर टारगेट अचीवर बन के आओगे, बेस्ट परफॉर्मर बन के आओगे या अपना रैंक अचीवमेंट लेके आओगे, तो सब लोग आपकी तरफ उसी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन की तरह देखेंगे कि यार ये बंदा है जिसकी वजह से हमारी टीम जीती है, इसने काम किया है यार, इसने काम किया है, इसने अपनी रातों की नींद दी है, इसने इतना काम करके दिया है, इसने इतना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। दूसरा, आपको बार बार एक जुमला बोला जाता है कि सब काम रोक दो, टारगेट को ठोक दो, बोला जाता है ना, इसका मतलब क्या है मैं समझाना चाहता हूं। इसका मतलब यह है पिछले कुछ दिनों से मेरे दांतों में सेंसिटिव, आप इस बिजनेस में अपनी गिनती डरपोक, आत्मबलहीन, हथियार डालने वाले और कमजोर लोगों में मत होने दो साथियों। आप अपनी गिनती जुझारू, आत्मविश्वासी, दृढ़ प्रतिज्ञ और इस बिजनेस में किसी भी कीमत पर जीतने वाले, क्योंकि अगर आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके नाती पोते जब भी आपका इतिहास पढ़ें, और एक और बात बोली जाती है कि कम से कम हम अपने जीवन में कुछ इतने चैलेंज तो ले लें, कुछ इतना बड़ा काम तो कर लें कि कल हमारे बच्चों को दूसरों के उदाहरणों से मोटिवेट ना होना पड़े, वो हमारे ही उदाहरणों से मोटिवेट हो जाएं। तो आपको अपनी कहानी सुना के उनको मोटिवेट करने का मौका मिल रहा है। तकलीफों से और चैलेंजों से घबराइए मत, आप इस बिजनेस में लगे रहिए, क्योंकि कल आपकी कहानी बन रही है जो आप डायमंड स्टेज से सुनाएंगे। चैलेंजेस आना लाजमी है, दुनिया के हर काम में आते हैं, आपको आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनसे लड़ना ही सिर्फ आपका काम है। अलग अलग आदमी के जीवन में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं। मैं इसको और भी आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए आप एक काली गुफा से निकल रहे हैं, और ये जो काली गुफा है वो मान लीजिए कि 1 किलोमीटर की है। अगर आप इस 1 किलोमीटर में धीमे धीमे आराम से दुखी होते हुए, रोते हुए, तकलीफों में बैठ बैठ के निकालेंगे, तो ये जो 1 किलोमीटर है वो 1 घंटे में पार होगा। और अगर आप इस चैलेंज को बहुत जोश, जुनून, जज्बे के साथ 5 मिनट के अंदर बहुत मेहनत के साथ दौड़ के पार कर देंगे, तो आपकी जिंदगी की काली गुफा जल्दी पार हो जाएगी। तो आपको खुद सोचना है, रोते रोते तकलीफों में, परेशानियों में बिताना है, या हमको मोटिवेट होके, खुश होके, हंस के, मुस्कुरा के इनको पार करना है।
और साथियों अपनी जिंदगी की काली गुफा खुद को पार करनी होती है, कोई और नहीं करता है। हमने अपनी जिंदगी की काली गुफा खुद पार की है, आपको भी अपनी जिंदगी की काली गुफा खुद पार करनी होगी। मुझे पता है साथियों कि आप इस बिजनेस में कठिनाइयां और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन आप इस बिजनेस में जो कठिनाइयां फेस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है इसी बिजनेस में कठिनाइयां आती हैं, दुनिया के हर काम में कठिनाइयां आती हैं, दूसरे बिजनेस दूसरे कामों की कठिनाइयां आपको क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप उनको कर नहीं रहे हैं। बस बाकी आती वहां पर भी हैं। कोई भी छोटे से छोटा बड़ा काम ऐसा नहीं है जिसमें कि कठिनाइयां चैलेंजेस तकलीफें परेशानियां ना आती हों। अपनी जान लगाता है और तन मन खोता है, कोई बात नहीं अगर हमको देश पर कुर्बान होने का मौका नहीं मिला, लेकिन क्या अपनी टीम के लिए थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस किया जा सकता है कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं सर आप तैयार करो, हम लोग यहाँ से लोहा बन के जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहाँ आपको बुलाया किस लिए है? यहाँ दो तरीके के लोग आए हैं, एक इस मीटिंग के बाद बहुत दम दिखाएंगे और दूसरे तुम दिखाएंगे। क्या है एक? क्या है एक? क्या दिखाएंगे और दूसरे तुम दिखाएंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर बहानेबाजों की जरूरत नहीं है, यहां पर निशानेबाजों की जरूरत है। तो कितने लोग बोलते हैं हमें टारगेट जीतने वाले, दम दिखाने वाले? तो चलो।